हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ रविकांत। शुद्ध नॉलेज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आजकल मैं वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, पर ट्राई करूंगा कि आपके लिए वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज फ्रेंड्स, हम कीवर्ड प्लानर, जो कि गूगल का एक बेहतरीन फ्री एसईओ टूल है, उसको यूज करेंगे। उससे हम जानेंगे कि कैसे हम अपने एसईओ के थ्रू कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करें, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें और वेबसाइट को रैंक में लाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नए हैं चैनल पे तो प्लीज अभी की अभी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी इस चैनल के आइकन को, जो बेल आइकन है, उसको जरूर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ इस तरह से आपको कीवर्ड प्लानर का जो एक स्क्रीन होता है, जो लुक होता है, जो यूजर इंटरफेस होता है, वो दिखता है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड का सेक्शन दिख रहा है, इसको हमको क्लिक करना है। क्लिक करते कोई भी कीवर्ड आपको इस पर टाइप करना है। तो मैं आपको समझाने के लिए, हाउ टू बिकम रिच इन दिल्ली, हर कोई रिच बनना चाहता है, तो इस कीवर्ड को मैं टाइप करके गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ। तो गेट रिजल्ट को क्लिक करते ही आपके सामने मल्टीपल रिजल्ट्स आ जाएंगे विद डेटा। तो फ्रेंड्स देखिए, हाउ टू बिकम रिच इन दिल्ली, ये बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे आपकी मंथली सर्चेस 10 से 100 के बीच में है। तो इट मींस आप इसको यूज कर सकते हो, कंपटीशन काफी लो है। और इसका मतलब ये हुआ, आप अगर इसको यूज करते हैं, बाकी ऐसी स्ट्रेटजीज वगैरह लगाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जैसे हाउ टू बिकम रिच इन इंडिया, इस कीवर्ड को आपने अगर टाइप किया तो क्या आता है। तो ये देखिए, कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, आपने जो प्रोवाइड किया कीवर्ड वो ये है। और यहाँ पर आपकी एवरेज मंथली सर्चेस काफी अच्छी है, यानी कि एक मंथ में, एक महीने में जो ट्रैफिक ऑन एन एवरेज है वो 1000 to 10000 इसके बीच में अराउंड अराउंड कुछ है। और कंपटीशन इसका आपको काफी लो है, यानी कि आप यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर्स को, उनको उनसे आगे जा सकते हो, उनको बीट कर सकते हो। पेड कैंपेन्स की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम जो इस कीवर्ड पर जो बिडिंग प्राइस है वो है 7.33 रुपीज और मैक्सिमम 22 को जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पर, अगर आप देखो नीचे कीवर्ड्स आइडियाज, यहाँ पर आपको सारे के सारे कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो अच्छे खासे कंपटीशन में दिख रहे हैं। अब आपके पास दो चांस है। अगर आपकी जो आपकी वेबसाइट जीरो से आपने स्टार्ट किया है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उन कीवर्ड को चूज करें जहां पर आपको जो एवरेज मंथली सर्चर्स है वो 10 से 100 के बीच में दिख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये हाउ टू बिकम कुछ कर से करके कुछ कीवर्ड यहाँ पर होगा जो कि रिलेटेड होगा आपके कीवर्ड से, और कंपटीशन भी आपको यहाँ पर लो मिल रहा है और यहाँ पर पेड कैंपेन्स के कोई भी बिडिंग प्राइसेस नहीं है। इट मीन्स ये प्योरली एसईओ से रिलेटेड ही कीवर्ड है, इसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इनके सेटिंग्स बना सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं ये सारे के सारे कीवर्ड्स मैनुअली करेंगे तो टाइम लगेगा। मैनुअली अपने एक्सेल में अगर आप पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक आइकन दिख रहा होगा नीचे डाउन एरो का, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही CSV फाइल में आपको ये सारा का सारा डेटा, जो सारा का सारा डेटा, उसको सेव करना है। अभी आपका डेटा भी ये यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको एक्सेल की शीट मिलेगी जो कि सारा का सारा डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। लेकिन अब हम कुछ इसको फिल्टर करेंगे, तो ऊपर की टॉप जो रो है इसको हम हटा देंगे, ये एक्सक्लूड कर देंगे। उसके अलावा जो ये सेक्शन आपको है, इन सबको डिलीट कर देना है और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है सिर्फ उसी को यहाँ पर रखना है। तो चलिए, इस तरह से आपको चीजों को मैनेज करना है। ऑलराइट, अब इसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, दोनों को फिल्टर करना है। हमने इसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के साथ हमको कौन से कीवर्ड चूज करने हैं इसको क्लिक करेंगे। हमको सिर्फ अभी, क्योंकि हमारी वेबसाइट स्टार्ट से रैंक करवाना हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी जीरो है, हर चीज में बिल्कुल फ्रेश है, तो 50 जो भी हमारा मंथली सर्चेस है, हम सिर्फ 50 चूज करेंगे। और कॉम्पिटिशन हम हमेशा ट्राई करते हैं
बिगनर के लिए आप अगर आप एसईओ सीख रहे हो तो आप प्लीज हमेशा लो ही यहाँ पे सेट करें। अब इसके अलावा आप इनमें से कोई भी कीवर्ड जो आपको लगता है आपकी वेबसाइट के लिए सूटेबल रहेगा, जो भी आप ब्लॉग बना रहे हैं, तो इनमें से कोई भी चूज करें और सेट बना सकते हैं अपने कीवर्ड का। एग्जाम्पल के लिए हाउ टू बिकम रिच इन दिल्ली को मान लेते हैं, आपने प्राइमरी कीवर्ड बनाया, ये है आपका प्राइमरी कीवर्ड हाउ टू बिकम रिच इन दिल्ली। ऑलराइट, अब हमारा काम आता है सेकेंडरी कीवर्ड का। इसके लिए आप कोई भी कीवर्ड चूज कर लीजिए दिल्ली से रिलेटेड। अगर कहीं पे दिल्ली आपको दिखता है, नहीं आता है, तो आप इंडिया, मुंबई कुछ भी चूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे इन पे एवरेज जो मतलब सर्चेस है वो 50 की है। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी कीवर्ड में आपने 4 कीवर्ड यूज कर लिए, प्राइमरी कीवर्ड अब ये हो गया। अब आप जो कंटेंट यूज करेंगे उसमें प्राइमरी कीवर्ड हाउ टू बिकम रिच इन दिल्ली और बाकी सेकेंडरी कीवर्ड में ये कहीं ना कहीं यूज करेंगे। और कीवर्ड डेंसिटी कैसे रखनी है ये ऑलरेडी हमने पहले अपनी पुरानी वीडियोज में ऑलरेडी बता दिया, तो उस वीडियोज को जरूर देखिए, काफी आइडिया आपको मिल जाएगा। और ये तो है एक तरीका। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। हाउ टू बिकम रिच इन इंडिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे हमको क्या करना है, बॉटम में आना है। बॉटम में किसी भी जो आपको बॉटम में जो कीवर्ड दिख रहे हैं इनको ओपन करना है। मैं बेसिकली ज्यादा कीवर्ड आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप सारे के सारे कीवर्ड्स को ओपन करें, कॉपी कर लीजिए उन सभी को। एग्जाम्पल के लिए इस कीवर्ड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आप अपना पेस्ट कर ले। और इसके अलावा 2020 नहीं है, ये 2021 है, तो हम इस कीवर्ड में 2021 कर लेंगे। और ये कीवर्ड भी शो करता है कि किस तरह की चाहत है हम इंडियंस में जल्द से जल्द अमीर बनने का। तो ये सपना पूरा होगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन अभी जो है मेन वो है आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़ाने के लिए इस तरह की कीवर्ड्स आपको सर्च करते रहना है कीवर्ड प्लानर की हेल्प से। और इससे आप अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपनी ऐसी स्ट्रेटजीज को वेल तरीके से मतलब अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो लेट्स सी यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट दिख रहा है। ओहो, हाउ तो जो लास्ट वाला था, अब मैं अगर उसको चेक करूं तो ये आपको देखिए एवरेज मंथली सर्चेस पे नहीं के बराबर है। आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो, क्योंकि जहां पर आपको कंपटीशन नहीं बिल्कुल दिख रहा है वहां पे आप रैंक कर जाओगे, और इससे आपको कॉन्फिडेंस बेसिकली बूस्ट होगा। मैं हमेशा रेकमेंड, क्योंकि यहाँ पे सर्चेस ना के बराबर है, तो मैं ये नहीं कहता कि इसको आप यूज हमेशा आपको करना ही करना है, पर एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में बढ़ जाएगा कि आप ऑलरेडी जो यहाँ पर आपको मैंने कीवर्ड दिखाया है इन पे मिनिमम जो ऑन एन एवरेज मंथली सर्चेस हर महीने 50 है, यानी कि कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। इन कीवर्ड के साथ साथ इस तरह के कीवर्ड को आप यूज कर लीजिए बीच में, तो ये भी रेलिवेंट रहता है, नॉन रेलिवेंट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 गूगल से जो बॉटम लिस्ट में जिसको हम LSI भी बोलते हैं जो कीवर्ड हमने लिए थे, इसको अगर हम देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट वाला था वो क्या है, वो ये कीवर्ड है जिसकी मंथली सर्चेस 100 to 1000 है, कंपटीशन भी लो है, और पेड कैंपेन की बात की जाए तो मिनिमम बिडिंग है एक क्लिक की 1.47 रुपीज, मैक्सिमम 16.87 रुपीज। इसकी हमें चर्चा अभी नहीं करनी, अभी हम एसईओ को देख रहे हैं, तो ये पॉइंट है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने सेकेंडरी कीवर्ड चूज किया जिसकी मंथली सर्चेस 50 है, इसके साथ साथ दिख रहा है हाउ कैन अ मिडिल क्लास पर्सन बिकम रिच इन इंडिया, इस कीवर्ड को आप एज अ सेकेंडरी कीवर्ड भी हो एज अ सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। इससे आपको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि अभी आपको मैंने जो बताया है जो ये कीवर्ड्स हैं ये बेसिकली जिनकी सर्चेस 50 ऑन एन एवरेज है, ज्यादा नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप एक ऐसा
कीवर्ड लेते हैं, चूज करते हैं, जिसकी मंथली सर्चेस काफी अच्छी है, ट्रैफिक काफी अच्छा है और कंपटीशन भी लो है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये इसी स्ट्रेटजीज को आप इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखें कि कितनी जल्द आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि आप इस कीवर्ड पे लो कंपटीशन में भी रहते हुए रैंक इजीली करवा सकते हैं या नहीं। तो आपको कैसे लगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, और एक और टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, कितनी यूजफुल थी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।